हेलो हाय जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। सो जी स्टूडेंट्स, किए आयो? ठीक ठाक ही हों भी कह दो अलाज रहम करम सा तो हाँ अच्छो तो पढ़ मैथमेटिक्स समझूंगा, कंटिन्यू रखूंगा, समझना अच्छो क्या समझनी आए तो वो मैथमेटिक्स समझनी आए तो समझने ला तो रेडी थी वो मतलब यो है तो रेडी थी जो मतलब तो कॉपी एंड पेन पा सा गुड खड़ी करी अड़ी साइड तीन तो जी फुली कंसंट्रेशन से गौर से रिलैक्स थी कर समझो समझने की कोशिश कर समझ में अचे एंड कॉपी एंड पेन जो पढ़ा है उन नोट कर लो पॉइंट्स। ठीक है, रेडी आयो? एग्री आयो? गौर से कंसंट्रेशन समझने की कोशिश कर माइंड सेट कर तो मुझे अक्सर समझनी आए तो बिल्कुल समझ में एग्री आए। अच्छा तो समझ ना पा छा है तो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 समझूं प्या जें जो छा आए जें में चलो तो f(x) इज गिवन बाय f(x) मींस इक्वल टू फंक्शन f(x) जो भी मिलेगा है एक्सपोनेंशियल टर्म आए e पावर 2x स्क्वायर प्लस x हम 2x स्क्वायर प्लस x जो को आए e जो मतलब पावर है क्वेश्चन 4 जो पार्ट में बताया ठीक फंक्शन आए वेयर द डोमेन डी ऑफ फंक्शन एफ इज चूजन एप्रोप्रिएटली फाइंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव फाइंड करनी है सिंपली माने डेरिवेटिव फाइंड करें जस्ट माइंड में ऐसे रहता है। ठीक है, जगरी आए रेडी आयो समझ ना? अच्छा तो समझो ना, सिंपल आए, कोई डिफिकल्ट का नहीं, कोई टिपिकल का नहीं, गौर से समझने की कोशिश करनी है। सही है, अच्छा सुन ना सॉल्यूशन f ऑफ x को फंक्शन मिला लाए वो e पावर 2x स्क्वायर प्लस x ने जो डाल देना ठीक डेरिवेटिव करनी है सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल इज सम सा ऑन बोथ साइड वी गेट बिन साइड द डेरिवेटिव करता सर सो d बाय dx f ऑफ x इक्वल टू d by dx e power 2x square plus x just d by dx inside the liquid check d upon dx f of x function is simply f dash of x equal to and so exponential term I the exponential term the derivative class the exponential term same as it liquid same as it I am same as it so jo bhi hai o exponential term same ta likhi cha jo anne kha po exponential term je matha je ko power aahe unne ji derivative kabhi सही है एंड देन करना से e पावर 2x स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट यहां दो 2x स्क्वायर टू कोफिशिएंट आए बाहर चलो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन x जी जो ब्रैकेट में बच रहा है रिजिड है कभी बिंदु लिखी। ठीक है, सो दिस सो e पावर 2x स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट 2 x स्क्वायर पावर क्या है दो अगर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई को x से मथा ने को पावर 2 1 माइनस करो ओ पावर के जे मथा है x से मथा है x डेरिवेटिव का भी। ठीक है, बेसिक रूल डेरिवेटिव जो प्लस x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ दी 1 ब्रैकेट ओवर आई गाइस समझ में क्लियर है? ठीक है, देखो और सब समझो ये e पावर 2x स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 2 संग को 2 2 4 x ये मतलब पावर 2 मां 1 माइनस में कोई 2 मां 1 में बाकी बचो 1 पावर में 1 देखो आया ना लेकिन जात को लिखो x डेड विद रिस्पेक्ट टू x में 1 सो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जो 1 ब्रैकेट ओवर क्लियर है इस टाइम? ठीक है, हां देखो चाह दो और ये राइट साइड का दिखा दो f डैश ऑफ x इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई बाय 1 4x इनटू 1 4x प्लस वन इन ब्रैकेट के पहले को लिखी चले ब्रैकेट आए तो लिखे इन ब्रैकेट के पहले लिखी चले एंड वो ही एक्सपोनेंशियल टर्म e पावर 2x स्क्वायर प्लस x आंसर डायरेक्ट आई गॉट समझ में क्लियर है स्टूडेंट्स? सही है, सिंपल हो कोई डिफिकल्ट को नहीं हो एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव ऑलरेडी पार्ट समझी आया है सीधा आपने जो गया सही है। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट पार्ट भी समझो ना छाए उनमें सो जी स्टूडेंट्स हाँ पार्ट नंबर पार्ट समझना से
सेकंड f of x function मिलला है जे को 3 power 2x square plus x ही है 3 power 2x square plus x तरे सुआने पार्ट नंबर 1 जे समझो है तरे सामों क्यों है पर इन में exponential term जे मतां power होयो हिते power में 3 constant number जे मतां power तो यह शेता के गोर रन समझनी आए ज़हन में रखनी आए तो छा थी दो तब सो अगर जेकरे एक्सपोनेंशियल टर्म जे मथा जेकरे पावर आए तो पण डायरेक्ट डेरिवेटिव करे सकोना कैसे अगर जेकरे अच्छा कांस्टेंट नंबर जे मथा पावर आए पर पावर में वेरिएबल मौजूद आए पावर में वेरिएबल मौजूद आए तब एडी सिचुएशन एड कंडीशन जेकरे को प्रॉब्लम होजे जेकरे के कांस्टेंट नंबर जे मथा पावर में वेरिएबल होजे या वेरिएबल पाण जे मथा वेरिएबल ही पावर में होजे वेरिएबल जे मथा वेरिएबल पावर तपो जी डायरेक्ट डेरिवेटिव कोन थींदी ठीक पोछा कबो वेरिएबल जे मथा वेरिएबल पावर में जियो डायरेक्ट डेरिवेटिव कोन थींदी डायरेक्ट डेरिवेटिव कोन थींदी पोछा कबो जेको वेरिएबल पावर में आहे उन वेरिएबल के को रूल या को प्रॉपर्टी एडी यूज करे वेरिएबल के लाइनो पर की प्रॉपर्टी आहे एडिशन में पढ़ियो आइन ता कैडी प्रॉपर्टी है यानी सो मुझे लिखा दो बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड वी गेट लॉगरिथम टेक आउट कबो छो यानी सो लॉगरिथम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 3 पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जस्ट लॉग टेक आउट कबो यानी सो लॉगरिथम ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग जी प्रॉपर्टी अच्छे थी सेल में केमिस्ट्री में ता फिजिक्स में मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे मिसाल लॉग जी करें ए पावर एक्स आए पावर अगेन चीन दो लॉग ऑफ ए आने आए सेल में लॉग इतना जो पावर हो लॉग ए बेस से मतलब जेक पावर तब पावर अगेन लिखो लॉग ऑफ बेस आए सेल में तब वो प्रॉपर्टी इस प्रकार से जी मतलब पावर जी को भी आए वो पावर आए पावर छाए पावर है पावर आए 2x square plus 2x into logarithm of 3 अच्छी है सर ठीक है क्लियर आए हाँ नहीं चाहते हाँ नहीं डेरिवेटिव करना सर कांस्टेंट नंबर जो बता पावर है पावर क्या अच्छी हो अच्छी तो आप डेरिवेटिव कर भी ठीक डेरिवेटिव आने जी क्या कर सकते ना सो डिफरेंशिएट करना से विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x ये सब सांग आन बोथ साइड वी गेट इन साइड में डेरिवेटिव कर तो सो डी बाय डी एक्स लॉगरिथम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स लॉगरिथम ऑफ 3 इनटू ही 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लॉगरिथम ऑफ 3 के पैरेलल लिख दो आए आएगा समझ में एंड सो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स आए नाम लगो क्यों आए आए लॉग लॉग आए तो लॉग चीज खत्म तनाव जी एंगल एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय ओ लॉग जी एंगल जी डायरेक्ट कभी मिस जी अपॉन डी एक्स एंगल एफ ऑफ एक्स की डायरेक्ट लिखना से सही है अजय में का समझ जो लॉगरिथम आया तो हाँ देखो ना डेरिवेटिव कहने का ना डेरिवेटिव में लॉगरिथम ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ए भी लॉगरिथम ऑफ 3 इनफैक्ट को वेरिएबल ना है तो मींस ही जस्ट लाइक ए कोफिशिएंट है तब ये लिखो बाहर पांडे रेड करना से ब्रेक के अंदर टर्म्स जी टू कोफिशिएंट आ है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्यू टर्म डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स की ब्रेक इट ओवर लॉगरिथम 3 चोको लिखो चाहे के लॉगरिथम 3 एज अ कोफिशिएंट आए एंड अगर वेरिएबल जो को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सा थे पे देन से एक्स आए कांस्टेंट नंबर है तो आप एंगल के ठीक डेरिवेटिव मान को तो हां अगर ऐसा अगर वेरिएबल हो जी आता वो डेरिवेटिव मान जरूर कहीं हां ना है सेम एज इट पर हुआ सो एंड सो हेल्प फंक्शन में डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स ही आई डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन जिसे सर्किल में पाई चली हुआ तो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ फंक्शन की सिंपली पान एफ डैश ऑफ एक्स लिखी सको था लिखियो ठीक हाँ वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स चली हुआ इस और यही क्या बोले लॉगरिथम ऑफ 3 ब्रैकेट में 2 एक्स स्क्वायर पावर अंदर पावर पे रह गया है जो पो एक्स मतलब पावर 1 2 1 माइनस 3 दो
m को पावर j जे मथा है उनकी डेरिवेटिव प्लस x इन रिस्पेक्ट टू x अंतिम दी 1 आई गॉट समझ में सही है हां इन साइड द f(x) चले लो 1 अपॉन तो 1 से f(x) डिवाइड कर दो उन साइड में खाने ला से द f(x) वाला मतलब दो मल्टीप्लाई कंप्लीट हो सकता जो पान के डेरिवेटिव का पे थी तो ही f(x) बराबर हो पाए वो कर सके हो ना क्लियर आया इसका दिस वन लॉगरिथम ऑफ 3 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब 4 x मतलब पावर 2 मतलब 1 x मतलब पावर वेरिएबल में मतलब पावर 1 कौन तो आया नो ना है तब लिखने जरूरत ही कोनी ना है कुछ पानी है एक्सीडेंट विद रिस्पेक्ट टू x मान दी प्लस 1 फंक्शन नंबर सेम अच्छी हो इनटू f(x) वापस रिप्लेस को छाने बराबर मिल रहा है सागी वैल्यू लिख ली 3 पावर 2x स्क्वायर प्लस x f(x) वैल्यू ठीक सो आंसर z इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4x मल्टीप्लाई बाय सा को सा को 4x प्लस जो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x स्क्वायर प्लस x ठीक है सो ही पावर फाइनली गिवन फंक्शन g डेरिवेटिव लिया हां एरर के पॉइंट में कुछ चिंता कर सको लॉगरिथम 3 ब्रैकेट के अंदर पिनेट टर्म सा गद लिखो या बाहर पाए हुआ है कोई इशू पाने का मल्टीप्लाई में आए लिखने की जरूरत भी पाने को क्लियर है आएगा समझ में ठीक है तो माने हेड में रिलेशन के सिमिलर समझन में मिली तो कांस्टेंट नंबर के मथा वेरिएबल पावर आए तो डेरिवेटिव कौन थी एक्सपोनेंशियल नंबर के मथा पावर आए तो डायरेक्ट डायरेक्ट थी या वेरिएबल के मथा वेरिएबल ही पावर जे तो डायरेक्ट कौन थी तपो जी डायरेक्ट कांडा लॉगरिथम टेक आउट करे बिन साइड ता पावर में वेरिएबल के हेड लाइन में पहुंचो पो डायरेक्ट क्लियर है सही है पॉइंट नोट कर से लिया जिम जिम ज़हन बचे अब ते कंफ्यूज थी छ ई थ्यो छा ठीक है अच्छा तो हम जो नेक्स्ट पार्ट समझो था पार्ट नंबर 3 वो सिंपल आए सो दिस वर्ड्स पार्ट नंबर 3 समझबो सॉल्यूशन फंक्शन f(x) एंड k असाइन करना से जो क्वेश्चन में चाहे तो हन ही वही सागो करो लेला है एक्सपोनेंशियल टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म जे मथा पावर x वेरिएबल पर डायरेक्ट डेरिवेटिव थी सके जी इन नंबर कांस्टेंट नंबर जे मथा वेरिएबल है कांस्टेंट नंबर हो जाए तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं भी सके एक्सपोनेंशियल टर्म जे मथा पावर है तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सको क्या सो बस सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से आ बोथ साइड वी गेट लिखियो डेरिवेटिव अप्लाई कभी बिनी साइड ना d बाय dx f(x) इज इक्वल टू d बाय dx e पावर x सही है जस्ट d बाय dx लिखियो d बाय dx f(x) फंक्शन के सिंपली f डैश ऑफ x आयो एक्सपोनेंशियल टर्म डेरिवेटिव आए तो एक्सपोनेंशियल टर्म सेम रह दो ठीक ताको लिखियो फॉर एक्सपोनेंशियल टर्म जो मतलब जो पावर है उनकी डेरिवेटिव पावर है स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट मींस x पावर 1 अपॉन 2 इसको इक्विवेलेंट लिखियो क्लियर आए सही है हां जी सर e पावर स्क्वायर x मल्टीप्लाई x पावर 1 अपॉन 2 की डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव जरूर आता है पावर के अंदर नीचे पो पावर मां 1 माइनस कयो अने का पो जे जे मथा पावर है उनकी डेरिवेटिव अच्छे भी कर समझ में डेरिवेटिव जब बेसिक रूल अप्लाई होते हैं सो जी का टू रेडिकल में x डिवाइडेड बाय 2 अपन लिखो मल्टीप्लाई में x से मथा पावर फ्रैक्शन में माइनस थे पे हो छा कबो एलसीएम वट भी वरी ठीक है तो एलसीएम वट भी तो है एन बे टर्म के बाद में कुछ आएगा तो 1 शो पे जो एलसीएम डिनोमिनेटर वट भी 2 डिनोमिनेटर वट डिनोमिनेटर 1 तो एलसीएम वट भी 2 ठीक पहले टर्म जो न्यूमरेटर 1 तो 1 जी अपन जी को नंबर है सेम एग्जैक्टली वही एलसीएम में पयो आए तो न्यूमरेटर में सेम माइनस सेकंड टर्म जो न्यूमरेटर आ है 1 इन जी अपन में कुछ होई कोन 1 पॉइंट पे की तरफ शो कयो आए तब एलसीएम वाला नंबर जी को 2 आए सेम एज जो सम मल्टीप्लाई लिखो सही है अजय भी का समझ में गौर से समझो साबित करो कंसंट्रेशन समझने की कोशिश कर दो का समझ में जरूर ये तो एक्सीडेंट विद रिस्पेक्ट टू x 1 इज इट क्लियर नाउ ओके सो अच्छा स्मूथ आ जाते ही ई पावर रेडिकल एक्स है ठीक है लेकिन सो गलती थी वे सो ई पावर रेडिकल में एक्स डिवाइडेड बाय 2 एक्स पावर
1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 डिवाइडेड बाय 2 1 मल्टीप्लाई का कोई फर्क मत मान दो ना पड़ते रिमेंस सेम चलो इज इक्वल्स टू e पावर रेडिकल में x आए अपॉन में 2 इनटू x पावर 1 मान 2 यो 1 बचो माइनस जो जो निशान हमेशा बने नंबर की कण भी सही है सो इज इक्वल्स टू e पावर रेडिकल में x अपॉन में 2 और ऐसा अगर x पावर माइनस 1 अपॉन 2 जो मल्टीप्लाई में आए नेगेटिव पावर आए पॉजिटिव करनो पंदो पॉजिटिव करना छा कबो हेट खणी लासी तो पावर 1 अपॉन 2 प्लस जो थियो ठीक सो दिस वन आंसर ना आखिरी स्टेप आने का दो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू e जो मतलब पावर रेडिकल x डिवाइडेड बाय 2 x जो मतलब पावर में चाहे 1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन 2 जे के पावर में आए तो माइनस का रूट की साइन नीचे लो नंबर में मतलब x पावर 1 अपॉन 2 या x जो मतलब रेडिकल नीचे लो गलत सही आए आई गलत समझ में क्लियर आए ठीक है सागो तरीको सिंपल आए डेन एंड जस्ट सागा वही रूट साइन कोई डिफिकल्ट ना है गौर सा कंसंट्रेशन से ताकि समझ में आए सही है क्लियर आए सो उम्मीद किया तो जरूर समझ में आयो हो तो समझ में आयो तो तब खैर आए कोई शिको ने को वीडियो जी फॉर्म ताले सामने लेचा है अगे ने के सो प्रैक्टिस करो ने तो समझ में आचे क्वेश्चन पूछो कमेंट्स में क्या क्वेश्चन लिखी चलो आंसर ताकि मिल दो सही है स्टूडेंट्स तपो इंसान करो अगर यूट्यूब चैनल के ता जरूर सब्सक्राइब करो शेयर करो कमेंट करो और सा कर बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि हर वीडियो जो तमा के नोटिफिकेशन मिले एंड ता वो प्रॉब्लम टाइम बाय टाइम सीखी सको समझी सको एंड कंप्लीट कर सको सही है स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़